वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि, रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन ने प्रेस चेयंडि। अगर आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पार्टनर यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करने के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न बता रहे हैं कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता या बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे उनको आपके साथ शादी करने के लिए, तो आप अपनी रिलेशनशिप की इस प्रॉब्लम को भूल जाए। मैं कहता हूँ कि अभी के अभी भूल जाए, क्योंकि ये जो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है अब आपकी लाइफ में ज़्यादा समय तक रहेगी नहीं। मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो शादी के लिए, मैरिज के लिए, कि वो खुद उनकी भी इच्छा हो आपके साथ शादी करने की। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं आपको सिर्फ तरीका या मेथड बताऊंगा, मैं आपको दो लोगों के अलग अलग दो लोगों के केस को भी बताऊंगा, उनकी केस स्टडी भी आपको बताऊंगा कि उन लोगों ने ऐसे पार्टनर से कैसे शादी करने के लिए उनको कन्विंस कर लिया जो एक समय पे उनको बिल्कुल भी मना करते थे, उनके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। तो ये प्रॉपरली साइकोलॉजिकली चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अपने रिलेशन में इन चीज़ों को मैं कैसे अप्लाई करूँ। इसीलिए मैं आपके लिए दो अलग अलग लोगों के केस स्टडी लेकर आया हूँ। सबसे पहले चीज़ के बारे में बात करें कि एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड को इस चीज़ के लिए बोल रहा था, पूछ रहा था कि शादी करनी है कब करेंगे। ठीक है, उनको लगता था कि हमारा रिलेशन काफ़ी टाइम से, तो लड़की भी ये चाहती होगी और चीज़ें ऐसी ही लग रही थी, लेकिन लड़की ने चीज़ कही कि मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे, मैं ऐसी नहीं कर सकती, बाकी शादी नहीं कर सकती। और तो लड़के के लिए फिर उस रिलेशन का मतलब नहीं रहता। लड़के ने कहा कि अगर शादी नहीं करनी है तो अब से हमें साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो लड़की ने उसको रोका भी नहीं, क्योंकि उनके लिए रिलेशन ख़त्म हो जाए तो ठीक बात है, लेकिन वो हमेशा के लिए उस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती थी। सबसे पहली चीज़ कि इस लड़के ने यहाँ पर सही किया, अगर वो और भी उसको मनाते रहता क्योंकि उसने ट्राई की होगी, जेन्युइन जितनी ट्राई करनी चाहिए उतनी ट्राई की होती, अगर वो हमेशा के लिए रोता ही रहता मनाता रहता तो चीज़ें वर्क करने वाली नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया कि मैरिज का उनके लिए मतलब ही नहीं बनता अगर ये रिलेशन शादी में नहीं जा रहा है, तो एक अपना स्टैंड लिया। उसके बाद 2-3 महीने वो अपने आप को हील करने में लगाए, ठीक है, और वो रियल में अपनी लाइफ में धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में जाने लगा, इस रिलेशन से निकलने लगा। सी अभी उसका कोई नया रिलेशन या शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिलता था और अपने जो भी चीज़ें था उनको अपने पास के रिलेशन को भुला के वो चीज़ें करता था। एंड एक दिन उस लड़की ने इस लड़के को नोटिस किया, जो हमेशा मैं आपको एक्स बैक वाली तरीकों में कहता था। ये सारी चीज़ें तो उनके साथ एक्सीडेंटली हो रही थी, वो ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे, उन्होंने मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर की है। पर एक बार उन्होंने नोटिस किया तो उनको लगा कि ये बंदा तो अब ठीक है पहले से बेटरली अपनी लाइफ जी रहा है, अपने दोस्तों के साथ है और लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ है, चिल कर रहा है। तो उस लड़के को ये लगा होगा कि भले मैंने उसके साथ शादी नहीं की लेकिन मैं अलग होगी, इसकी लाइफ से चलेगी तो ये दुखी होगा। एक बार नोटिस किया फिर लड़के के माइंड में वो विचार आ लें, उसने ज़्यादा जानने की कोशिश की, ज़्यादा इस लड़के को स्टॉक किया, उसके बारे में चीज़ें वो देखती रही और उनसे प्रभावित होती रही। ठीक है, अब वही लड़की जो कह रही थी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो लड़की कहती है कि सब कुछ मैं अरेंज कर लूँगी, बस अब तुम वहाँ पर। दूसरा जो केस है वो एक लड़की का है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड उसने भी यही गलती की कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया कि कब शादी करेंगे। हालांकि वो लड़का भी पहले कहता था कि उनको शादी करनी है, लेकिन ये लड़की डाउट कर रही कि कब शादी करेंगे और क्यों नहीं करते और तुम में ये एफर्ट नहीं दिख रहे और तुम में वो सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। उस लड़की ने इतना सारी चीज़ें बढ़ाते बढ़ाते करके वो लड़का गायब हो गया, उस लड़की के सारे नंबर उसने ब्लॉक कर दिया, अपना एड्रेस तक चेंज कर दिया। उस लड़की ने बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं चला। फिर जब वो लड़की मेरे कॉन्टेक्ट में आई अपनी इस रिलेशन की प्रॉब्लम को लेकर, लकीली उस टाइम पे उसको पता लग गया था कि लड़का कहाँ पर है, लेकिन उसने कॉन्टेक्ट नहीं की क्योंकि उसका ये मानना था कि पहले आपसे बात कर लूँ, फिर मुझे यहाँ पर क्या आगे चीज़ें करनी चाहिए आपके साथ डिस्कस करके ही मैं चीज़ें करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ कि उस लड़के का स्टेट ऑफ माइंड क्या था वो हमें समझना पड़ता था। वो इतना इरिटेट परेशान हो गया था कि उसने लगा कि अगर मैं भागूंगा नहीं तो ये लड़की पीछे पड़ जाएगी, जान खा जाएगी, शादी करनी है। ठीक है, इससे शादी करके तो मैं एकदम से पक जाऊंगा, क्योंकि ऐसी लड़की से मैं कैसे शादी करूँ। फिर उस लड़की के साथ मिलकर मैंने ऐसी चीज़ें की कि उस लड़के को वहाँ पर भेजा। सबसे पहली चीज़ उस बॉडी लैंग्वेज से, उस लड़की के हाव भाव से बिल्कुल भी उस लड़के को नहीं लगा कि अब ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। ठीक है, लड़की ने उसको बोला कि यार इतना परेशान मत हो, ठीक है, तुम्हें नहीं करनी है तो नो डाउट,
ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर मेन चीज़ है कि उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज तारीफ करने के लायक थी कि उस लड़के को ये लगा था कि जो पागल जैसी थी अब उसके मन में, उसके चेहरे पे हाव-भाव में दिखता ही नहीं कि इसको मुझसे शादी करनी है। ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन वो दोनों कॉन्टेक्ट में तो रहे ना, लेकिन एक पुराना दोनों का कनेक्शन भी था। तो लड़की ने पुरानी कोई चीज़ वहाँ पे डिस्कस नहीं की, धीरे 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 वापस से ठीक है उन दोनों का जो कनेक्शन है वो बिल्ड होने लगा। लड़की ने यहाँ पे बैलेंस रखा, पेशेंस रखा और चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन लोगों ने भी शादी कर ली। आपके केस में क्या है, हो सकता है कि आपके केस में सिचुएशन कुछ अलग हो, आपके केस में कुछ संयोग ऐसे हो, कुछ संयोग वैसे हो, लेकिन आपको अपना दिमाग लड़ाना है। मैं आपको मेथड दे सकता हूँ, मैं आपको फॉर्मेट दे सकता हूँ, वहाँ पे कितनी चीज़ आपको, कितना नमक, कितनी मिर्च जो आपको पसंद है जो डालनी चाहिए उतनी आपको डालनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम जो चाहते हो तुम्हारे पार्टनर से, यानी कि इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हो, तो अपने मुंह से हो सके तब तक मत बोलो कि हमें शादी करनी चाहिए। उनके साथ ऐसे रहो कि उनको एहसास हो कि ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन इतना सही है, ये नहीं जाने देना चाहिए, इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। अगर साथ रहने से एहसास हो तो थोड़ा दूर रहिए, कभी कभी थोड़ा दूर जाए ताकि उस चीज़ का एहसास हो, लेकिन मुँह से बकना नहीं। जो चाहिए उनसे बुलवाना है, ये चीज़ याद रखो, हमेशा तुम्हें जो चाहे तुमने उनसे बुलवाया ना, ये चीज़ जब हम करते तुम हमेशा फायदे में रहोगे। शादी की बात में जब वो आपसे बात करता है, शादी के बाद में जब कभी डिस्कशन होता है, तो आपको जस्ट ऐसे ही बोलना चाहेंगे तो वो तो देखेंगे, क्योंकि घर वाले पे इंटरफेयर करेंगे। मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ या इतनी नहीं सोचूंगी, देखेंगे कहाँ पर होगी कैसे होगी। तुम थक गए हो चिल्लाते चिल्लाते, तुम थक गए हो उनको मनवाते मनवाते कि शादी करो शादी करो शादी करो, कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं। बस आप वो सारी चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए, आप वो सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए और एक ही चीज़ करिए कि हो सके उतना अपनी लाइफ की चीज़ों में फोकस करिए। आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी चीज़ें देखिए, छोटी से छोटी चीज़ें देखिए और उनको इंजॉय करिए, और आपकी एनर्जी आपका उत्साह अपनी लाइफ की चीज़ों में दिखेगा, और दिखेगा तभी उस पर्सन को रियल में लगना चाहे कि इस लड़की को ना मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या इस लड़के को मुझ में शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड डेफिनेटली जिस दिन इस चीज़ का एहसास उनको हो गया ना, उस दिन उनको लग जाएगी आपसे शादी करने की चीज़, वो खुद जाएंगे कि वो आपसे शादी करेंगे, क्योंकि तब तुम कंप्लीट फील करते हो। जब आप कंप्लीट फील करते हो ना, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके जैसा कंप्लीट बनना चाहते हो। यहाँ पे जब तुम ऐसे रिक्वेस्ट ऐसे मांग रहे होते ना कि कर लो, तो उनको लगता है कि वो कंप्लीट है, वो समथिंग है और आप इनकम्प्लीट हो, वो आपके ऊपर अनुकंपा कर रहे हो, दया कर रहे हो, आपके ऊपर तरस खा रहे हो, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है उस बंदे या उस बंदे के सामने, खेल से पोसिप इतना है, इतना करनी है, तो 100% डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं सोच रहा है शादी करने के लिए, वो एग्री करेगा। आप रिलेशन के बारे में, अपने इन चीज़ों को बेटर बनाने के बारे में, फीलिंग के बारे में, लॉ के बारे में सब कुछ जानना सीखना और इन चीज़ों के मास्टर बनना चाहते हो, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ये आपके लिए तो सही है, लेकिन आपकी फ़र्ज़ है कि ऐसे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम वो आपको डिस्कस ना करते हो, लेकिन कहीं बार जाने अनजाने में भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो, तो जस्ट शेयर करके लोगों की मदद और मेरी से भी थोड़ी हेल्प ज़रूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।